प्रणाम देवगण, पुत्र गजानन, प्रणाम माता संज्ञा, कल्याण हो पुत्र। इससे पूर्व की गजानन देवी संज्ञा से भेंट कर लौटे मुझे शीघ्र यहां से प्रस्थान करना होगा। आपने अपनी बुद्धि से मुझे बहुत बड़े अपमान से बचा लिया, इसलिए आज मैं आपको वरदान देता हूं कि जो भी आपकी पूजा करेगा उसकी कुंडली में भाग्य का सूर्य अस्त हो भी रहा हो तो भी आपकी आराधना से उसके भाग्य के सभी दोष मिट जाएंगे। धन्यवाद सूर्यदेव। कल्याण हो गजानन। प्रणाम माता संज्ञा। कल्याण हो पुत्र। अब और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे, किंतु गजानन उसकी तनिक प्रतीक्षा करता हूं, साथ लेकर ही जाऊंगा उसे। प्रतीत होता है अन्य देवता प्रतियोगिता में आगे बढ़ गए, मैं भी चाहता हूं। प्रस्थान तो मुझे भी करना चाहिए, किंतु आपसे भेंट कर बहुत सुख प्राप्त हुआ माता। सुख तो मुझे भी प्राप्त होता पुत्र, यदि तुम और थोड़ी देर रुक जाते। रुकने की इच्छा तो मेरी भी है, क्योंकि प्रत्येक शुभ कार्य विशेष रूप से विद्यार्थी द्वारा विद्या की प्राप्ति सूर्य देव के उदय के साथ ही होती है, इसलिए यहाँ ध्यान करने की तो मेरी भी प्रबल इच्छा है, यदि आपकी अनुमति हो तो माता। अवश्य पुत्र, ये तो मेरा और सूर्य लोक का सौभाग्य होगा। समस्त देव कट चुके हैं सूर्य लोक से प्रस्थान। नहीं नहीं, एक शेष है गजानन, और गजानन का साथ दे रहे हैं कार्तिकेय भी। रुक गए गजानन, तुम भीतर क्यों जा रहे हो? सभी देवता तो चले गए, तुम भी चलो, अन्यथा तुम बहुत पीछे छूट जाओगे। भैया आप चलिए, मैं अभी थोड़ा ध्यान करके आता हूँ। ध्यान उचित है, किंतु शीघ्र आना। उत्तम, अति उत्तम। चंद्रलोक में प्रवेश करने वाला मैं प्रथम देवता होऊंगा। आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे देवराज, क्योंकि इस प्रतियोगिता में क्लांत हुए सभी देवों के लिए मैंने व्यवस्था ही ऐसी की है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चंद्र सरिता से चंद्रकांत उठाकर शीघ्र यहां से प्रस्थान करना होगा। इतनी भी शीघ्रता क्या है देवगणों? हमने जो चंद्रलोक में आप सबके लिए व्यवस्था की उसका तो आनंद उठाइए। हाँ
अनुपम दृश्य है। क्या हुआ सूर्यदेव, कुमार कार्तिकेय और गजानन नहीं आए आपके साथ? वो तो आपके साथ ही थे ना? गजानन सूर्यलोक में ध्यान करने के लिए रुक गए और कुमार कार्तिकेय उन्हें अपने साथ लाने के लिए रुक गए होंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इससे पूर्व के दोनों महादेव पुत्र यहाँ पहुंचे। मुझे चंद्रकांत लेकर शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। चंद्रदेव, आप अपने ही लोक में आगे बढ़ने की शीघ्रता क्यों नहीं दिखा रहे? आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे देवराज, यदि एक बार सृष्टि के सौंदर्य का ये मनमोहक दृश्य देख लेंगे, क्षण भर में ये आपके तन मन को अपार शीतलता से भर देगा। इतना शीत क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? चंद्रदेव, इसीलिए आपने अपने लोक में प्रवेश और यहां से प्रस्थान में कोई शीघ्रता नहीं दिखाई। चंद्रदेव, आप उचित नहीं कर रहे, छल कर रहे हैं आप हम देवताओं के साथ, छल कर रहे हैं। चंद्रदेव, आपका तो धन्यवाद करना चाहिए मुझे, हमारा कार्य सरल बनाने के लिए। अब आप सभी यही इस शीतलता की जकड़ में रहिए, जब मैं प्रतियोगिता संपन्न कर लौटूंगा तो मुझे प्रथम पूज्य बनने की बधाई दीजिएगा। अब जब इन सभी देवताओं को जड़ कर ही दिया है तो मैं आगे बढ़कर मंगल लोक पहुंच जाता हूं। प्रतीत होता है चंद्रदेव भूल गए हैं कि मेरे तेज और अग्निदेव की अग्नि के समक्ष ये शीतलता नहीं टिकेगी। रुक जाइए। चंद्रदेव, कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी शीघ्रता अच्छी नहीं होती। सब देवगण साथ चलेंगे तो यात्रा बहुत ही रोमांचक होगी, क्या कहते हैं आप? चंद्रदेव, आप ऐसी कपट योजना बना सकते हैं जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते थे, किंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ आपको, आप तो स्वयं ही फंस गए। ये मैं कैसी कठिनाई में फंस गया? यदि माता पार्वती के पुत्र भी यहाँ पहुंच गए तो फिर इस प्रतियोगिता में विजय पाना असंभव सा ही हो जाएगा मेरे लिए। माता पार्वती, आप निश्चिंत हो जाइए, ये देखिए तादृश्य हो रहा है कि बाहर के संकट से अनभिज्ञ अन्य देवता आपस में ही उलझ गए हैं और चंद्रलोक में ही रुक गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बालक गजानन और कार्तिकेय भी इसी कारण अधिक पीछे नहीं छूटेंगे। चंद्रदेव, आज तक इतना उत्तम आतिथ्य किसी ने नहीं किया हमारा, किंतु आपकी ये चतुराई ना आपको बहुत बड़ी विकट कठिनाई में डाल देगी। कठिनाई में तो अब तुम सभी देवता आ गए हो। <laughs>
चंद्रदेव, आपका तो धन्यवाद करना चाहिए मुझे हमारा कार्य सरल बनाने के लिए। सरल कार्य? कौन सा कार्य? राहु केतु अवश्य किसी बुरे प्रयोजन से यहाँ पहुंचे। हमें शीघ्र ही वहां पहुंचकर देवताओं की रक्षा करनी चाहिए गजानन। हाँ भैया। देवताओं, चंद्रदेव इस प्रतियोगिता में इतना उलझ गए कि वो भूल गए कि अब चंद्रदेव को मेरा ग्रसने का समय हो गया है। चंद्र ग्रहण में राहु चंद्र को मुख में ले लेगा। सभी देवता यहाँ हैं, इसलिए वो भी बंदी बन जाएंगे। चंद्र ग्रहण, और इस बार ये ग्रहण कभी समाप्त नहीं होगा। देवताओं, तुम्हारी यह प्रतियोगिता कभी संपन्न नहीं होगी। ये तो सत्य कह रहा है, ये मुझे ग्रस लेगा तो सभी इसके भीतर चले जाएंगे। के साथ अन्य देवताओं को ग्रसने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, इसीलिए उन्हें मुक्त करो, अन्यथा मेरा सामना करना होगा तुम्हें। और हाँ, स्मरण रहे कि ग्रहण की अवधि समाप्त होते ही चंद्रदेव को भी मुक्त करना होगा तुम्हें। कदापि नहीं। राहु केतु अर्थात शीश और धड़ पृथक होते हुए भी है तो एक ही। रुक जाइए भैया, जहां सुई से कार्य हो जाए वहां खड़क चलाने की क्या आवश्यकता। मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैं सभी देवताओं को और चंद्रदेव को मुक्त करवा लूंगा। राहु का मुख खुलवाना भर तो है, तो वो मैं करवा दूंगा। मूषक जी, तनिक आगे चलिए। अब लगाऊंगा अपनी युक्ति। देवताओं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? राहु, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना मुख मत खोलना। ए बालक, तुम्हें जो भी प्रश्न पूछना है मुझसे पूछो, मुझसे। ओ, अब समझा कौन है आप। मुझे आपकी संपूर्ण कथा ज्ञात है। आपने धोखे से अमृत पान कर लिया था,
जिसके कारण स्वयं श्री हरि नारायण ने आपका शीश धड़ से विलग कर दिया था। सत्य है ना राहु केतु जी? और अमृत पान के कारण आपको नौ ग्रह में स्थान मिल गया। और हाँ, माता ने तो ये भी बताया था कि आपकी चोरी सूर्यदेव और चंद्रदेव ने पकड़वाई थी, इसलिए आपका योग आने पर आप सूर्यदेव और चंद्रदेव को ग्रस कर उन पर ग्रहण लगा देते हैं। केतु जी, राहु जी से विलग है आप, किंतु फिर भी उनसे जुड़े हुए तो है ना? मैं राहु से जुड़ा हूँ या नहीं, उससे तुम्हें क्या बालत? मेरा अर्थ है, यदि मैं आपके शरीर को गुदगुदा दूं, तो क्या उसका प्रभाव राहु जी पर भी पड़ेगा? अरे वाह, तब तो मेरा कार्य सरल हो गया। सुन जी, चलिए एक नवीन क्रीड़ा आरंभ करते हैं। ए बालक, क्या कर रहे हो? अरे, इसका प्रभाव आप पर हो रहा है ना राहु जी? तुम्हारी बुद्धि का जाने, जिससे तुमने सभी देवताओं को मुक्त करवा दिया। अरे खजाना, अरे बास, अरे अरे अभी रुक जाओ, अरे अभी छोड़ दो। उचित अवसर है, जब तक अन्य देवता गजानन की इस लीला को देखने में व्यस्त है, मैं यहां से बढ़कर सबसे आगे निकल जाता हूं। अरे, ये तो सूर्यदेव। सूर्यदेव तो निकल गए, किंतु मैं उन्हें अधिक दूर जाने नहीं दूंगा। गजानन, अब विलंब मत करो, चंद्रकांत उठाओ और चलो यहाँ से। भैया, आप आगे बढ़िए, मैं अभी आता हूँ। राहु केतु जी, अब हम चलते हैं। आगे बढ़िए मूषक जी। प्रणाम गजानन, आज आपने मुझे और मेरे लोक को एक बड़े कष्ट से बचा लिया। आपको अनेकों धन्यवाद गजानन। मैं आपको वरदान देता हूं, जो आपकी पूजा करेगा उसकी कुंडली में मेरा स्थान कहीं भी क्यों ना हो, मैं मन का कारक होने के नाते आपके भक्तों को आप ही की तरह अत्यंत चतुर और बुद्धिमान बना दूंगा। धन्यवाद चंद्रदेव। चलिए चंद्रदेव। अरे
मूषक जी चलिए। अरे मूषक जी क्या हुआ? आ, 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 ये किसकी काली छाया है? केतु जी अब तो अपना आसुरी व्यवहार त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए मूषक जी की पूंछ, जाने दीजिए मुझे, मुझे प्रतियोगिता का भाग बनना है। हमारे साथ छल करने के बाद कह रहे हो कि जाने दे तुम्हें? अच्छा जाना चाहते हो ना, जाओ जाओ जाके दिखाओ, जाके दिखाओ। प्रभु आगे नहीं पढ़ा जा रहा है। हमारे साथ छल करने का यही परिणाम होता है। अब तुम ही नहीं गजानन, तुम्हारे साथ सभी देवताओं को हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा और उसका प्रारंभ तुमसे होगा, तुमसे। अब तक तो तुम्हारा वाहन लौट कर कैलाश पहुंच गया होगा। अब तुम आगे की यात्रा कैसे करोगे? कोई कितना भी छल करे किंतु हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए, अपितु चतुराई से उसका सामना करना चाहिए।